Karate Gymkhana is one of the oldest clubs in Pakistan. 1886 से कराची जिमखाना जो है उसकी इंसेप्शन हुई एंड सबसे प्रेस्टिजियस क्लब्स में आता है ये कराची के. एंड आई ऑलवेज वांटेड कि कराची जिमखाना भी वापस वैसा ही हो जाए जो हमारी प्रेस्टीज थी इस क्लब की. जो फैसिलिटीज़ थी हमारी वो टॉप नॉच थी हमेशा से, लेकिन वो डिटेरिएट हो गई और काफ़ी हद तक के लोगों ने आना छोड़ दिया. खैर, हमने बहुत मेहनत की इसके ऊपर. हमने फूड में मेहनत की, हमने रेस्टोरेशन में मेहनत की क्लब की, हमने रेनोवेशंस की. वी डिड अ लॉट इन ऑल एरियाज. कराची जिमखाना के लॉजेस हमने रिसेंटली बनाए हैं. इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे. ये 2009 से बन रहे थे और काफ़ी सालों से कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे. खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंप्लीट किया और अब ये किसी भी 5-star होटल के लेवल के रूम्स हैं इसके, जो पहले एक पोजीशन नहीं थी इसकी. जो भी मेंबर्स और उनके गेस्ट्स आके ठहरेंगे या रेसिप्रोकल मेंबर्स आके ठहरेंगे, दे कैन ऑलवेज यूज़ अदर क्लब फैसिलिटीज़ ऑन अ नॉमिनल चार्ज ऑफ कॉस्ट. जब ये ड्यूटी सौंपी गई थी तो बड़ा मुश्किल था. इस जिमखाना का जो हाल कर दिया था, कुछ अरसे से चलता आ रहा था, लॉस पे लॉस हो रहा था और कोई मेंटेनेंस नहीं थी. बिल्डिंग में भी बड़ा फ्रॉड हो रहे थे. तो जनरल बॉडी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेके हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पूरी जिमखाना की. तो मुझे कन्वेनर स्पोर्ट्स दिया गया था जिसमें मेरिकेट ग्राउंड आता है, जिम आते हैं और वेट रूम्स आते हैं, उसमें बैडमिंटन आता है, स्क्वाश कोर्ट आता है. हमने पूरा चेंज लाए हमें अपने टेन्योर में. थैंक्स टू द माई प्रेजिडेंट, माय मैनेजिंग कमेटी की हमें सपोर्ट थी. हमने इस पर चेंज ला के पूरा आप जिमखाना देखेंगे, अब वो जिमखाना नहीं रहा जो पहले हुआ करता था. जो हमारे रिजर्व्स थे दैट्स इंक्रीज फ्रॉम 90 मिलियन टू 200 मिलियन और हमने टैबलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया ऑर्डर टेकिंग के लिए मेंबर्स के लिए. इसके अलावा हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया अपना. जो क्लब के लॉसेस थे वो ऑलमोस्ट कोई 70% 80% ख़त्म कर दिया हमने. अपने दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ, इधर आके खेलती हूँ उनके साथ में, लाइब्रेरी में आके पढ़ती भी हूँ. लाइब्रेरी आती हूँ पढ़ने, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है लाइब्रेरी में. आई रियली लाइक कमिंग हियर फॉर प्लेइंग गेम्स सच एज एंड स्पोर्ट्स आल्सो. आई आल्सो लाइक कमिंग टू द लाइब्रेरी. जब हम आते हैं यहाँ पर तो हमें जाने का दिल ही नहीं करता है. आई एंजॉय हियर अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई कम टू लाइब्रेरी एंड स्टडी. During the last 2 or 3 years, specifically during the period when the new management who are working today under the leadership of Mr. Fawaz Malik, there has been changes not only in the look of the club, but as a matter of fact, the image of Karachi Gymkhana Club outside the club has raised so much that you don't feel shy or you always feel happy and honored that you are a permanent member of this club. I have been coming here since I was a baby with my family, and I've really grown up here, swimming and spending time in the library, playing badminton, tennis. And I really enjoy it. It's like my second home. I love the food here, especially like the breakfast menu that has changed over the weekend, Saturday and Sunday, especially on the porch, the pancakes and the waffles and that makes it really interesting.
Recently, in the last 2 years, what Fawad Malik has done to re-establish the heritage, the principles of this club, with such an intense effort, which is remarkable. At least I can't see it in the last 20 years. I've been coming to this club since I was born. It was like my second home. So I've just grown up in this club. When we check all the newsletters and everything, so it really, I think there's been a lot of improvements, mashallah, like menu, catering also, and even the refurbishments, I think, and all everything. So it's really good, yeah.